रहा हूँ, लेकिन मैं सिलेक्शन का ओनर हूँ। मैं शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरा शॉप का नुकसान हो गया, एंड टाइम पे कॉर्पोरेटर साहब में आके हेल्प करने की वजह से मेरा नुकसान हो गया, तो पूरी दुकान जल जाती थी मेरी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि थोड़ा नुकसान हो गया मेरी दुकान का। कॉर्पोरेटर साहब आने, जफर साहब और साहब हाजिम साहब आने की वजह से अम्मा को नुकसान कम हुआ, फायर ब्रिगेड आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। भाई अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ बोल के पता चल रहा, लॉस हुआ होगा 8-10 लाख जो देखे बोलेंगे 10 लाख के ऊपर हो। रहमतुल्लाहि बरकातहू, आज विजयनगर डिवीजन में फेरोज गांधीनगर में एमएफ कलेक्शन में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ। इतला मिलते ही मल्लपल्ली कॉर्पोरेटर जफर खान साहब यहां पर पहुंचे और मुझे इन्फॉर्म किया। हम दोनों यहां पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की टीम भी आई, एसीपी आसिफ नगर, तमाम पुलिस के अहदेदार यहां पर आए और नुकसान से इस एमएफ कलेक्शन को बचाए। और हमारे साथ यहां के एमएफ कलेक्शन के ओनर भी हमारे साथ मौजूद है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और माली नुकसान भी बिल्कुल बहुत कम हुआ है। अल्लाह का करम है कि सही वक्त पर जफर खान साहब यहां पर पहुंचे मल्लपल्ली कॉर्पोरेटर और मुझे इन्फॉर्म किया। मैं भी यहां पर आकर और हमारे साथ डीआरएफ टीम, पुलिस के आला अहदेदार और फायर ब्रिगेड भी है, अब मुकम्मल उसके ऊपर काबू कर लिए है और कोई हादसा नहीं हुआ अल्लाह के करम से। आप तमाम आने का शुक्रिया। विजयनगर कॉर्पोरेटर साहब का एरिया और यहाँ पर विजयनगर कॉर्पोरेटर कासिम साहब और हमारे जफर साहब इमीडिएट आके यहाँ पर इत्तला मिलने पर इमीडिएट आके उनके साथ टीम को लेके आके बहुत बेहतरीन तरीके से जो है जो भी खोत हो सकता था डैमेज उसको बचा के यहाँ से वहाँ कपड़े वगैरह शिफ्ट करवाए और जल्द से जल्द जो है आग को यहाँ पर बुझा दिए। मैं तो जानी भी नुकसान हो सकता था और माली भी नुकसान हो सकता था। हम कासिम साहब और जफर साहब का बहुत बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पर जो है सो हमारे ओनर साहब है उनका भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। समझे समझे 10-12 लाख के ऊपर अभी इस्टीमेट बोलना बहुत मुश्किल है। समझे आप तो हम रमजान का महीना था और हम गवर्नमेंट से एक मुतालबा कर रहे हैं इसमें अगर हमारे क्योंकि रमजान का महीना है आप स्टॉक बहुत खरीद के लेके आए काफ़ी नुकसान हुआ, इसमें अगर कुछ गवर्नमेंट अगर ताउन करे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हमारे काउंसलर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे जफर साहब से भी और हमारे एमएलए साहब से भी, माजी हुसैन साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से कुछ इसका हर्जाना अगर हमारा जो भी है अगर करा सके तो बहुत बड़ी मेहरबानी रहेंगे। समझे आप शुक्रिया। मैं अंदर की जी लेकिन क्लैरिटी नहीं है, ब्लैक ब्लैक आग लगी क्या हुआ? हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।